कोविड की समस्या आप सब जानते हैं, देश को जो दर्द पहुंचा, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, कोरोना ने क्या किया पूरा देश जानता है। हमने ये व्हाइट पेपर थोड़ा डिटेल में तैयार किया है और इस व्हाइट पेपर के दो तीन लक्ष्य हैं। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा। दो तीन चीजें हैं, पूरा देश जानता है कि सेकेंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने सेकेंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। और आपको, पूरे देश को सेकेंड वेव का असर सहना पड़ा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है, वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी। और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। तो ये हमारा व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने चार मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन, कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले, जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो, जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेसली मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना। दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है। और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है, अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उनका, उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पेंसेशन फंड बनाया जाए, जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पनसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी जाए। तो ये हमारे चार पॉइंट्स हैं। हमने पहले ही कहा था कि कोरोना से लड़ना है तो डिसेंट्रलाइज तरीके से लड़ना होगा। प्रधानमंत्री की जगह है
चीफ मिनिस्टर की जगह है, डीएम की जगह है, नागरिक की जगह है, सबको एक साथ मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, तब कोविड से हम लड़ पाएंगे। तो हमारा जो व्हाइट पेपर है उसका लक्ष्य जो पिछले साल में हुआ है, जो गलतियां हुई हैं और गलतियां हुई हैं उनको सामने रखने का है। अब वो सरकार के लिए इनपुट है, अगर सरकार व्हाइट पेपर को पढ़ेगी और इनपुट को लेगी तो सरकार को फायदा होगा। मगर मेरा मेन पॉइंट ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास, बाकी ऑपोजिशन के पास, एक्सपर्ट्स के पास, डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट के पास इंफॉर्मेशन है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसका प्रयोग कीजिए, लोगों की बात सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने आपसे वैक्सीनेशन पर सुझाव दिए थे, आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने अपने मंत्री से उन पे अटैक करवाया और फिर 2 महीने बाद जो उन्होंने कहा आपने करना पड़ा। जो हमने पहले आपसे कहा था कि सेंट्रलाइज तरीके से आप नहीं कर सकते हो, आपने मजाक उड़ाया, फिर 2-3 महीने बाद आपने उस बात को एक्सेप्ट किया कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे वहां प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे और उनका फोकस दूसरी ओर था, तो ये तो पूरा देश जानता है।